संभल के नकासा थाना क्षेत्र के बल्ले की पुलिया पर पुलिस दोपहर संरक्षित पशु काटने की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। आरोप है कि आरोपी के घर पर न मिलने पर पुलिस ने उसके घर में तोड़फोड़ कर दी और महिलाओं को भी पीटा। बताया जाता है कि इसके बाद संप्रदाय विशेष के लोग भड़क गए। भीड़ एकत्र होने पर उन्होंने जाम लगा दिया। पुलिस बल के पहुँचने पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, फायरिंग भी की। जमकर हुए बवाल के बाद एसडीएम राशिद अली खान व एएसपी राम मूरत यादव को भी भीड़ ने दौड़ा दिया। पथराव में एसडीएम का अर्दली जय सिंह व असमोली थाने का सिपाही नेमपाल घायल हो गए। आधा दर्जन पुलिस घायल हुए। पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी गई। वही इस घटना से नेजे मेले में लगा बाजार देखते ही देखते बंद हो गया। टेलीफोन से सूचना दिया कि दीपा सराय में फला स्थान पे गौकुटी हो रही है। उन्होंने उसको इंस्पेक्टर को बताया, वो अपना जो भी फोर्स भेजा होगा सर्विस के लिए, वो लोग गए वहाँ, महिलाएं स्नान कर रही थी, उसके प्रति की है, कोई गौकुटी को वहाँ कुछ मिला ही नहीं। और उनका आरोप है कि उनके द्वारा कुरान शरीफ से हरकत की गई है। इसको लेकर के उन लोगों ने यहाँ चौराहे पर जाम लगाया था। पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी असमोलीसों की, उसमें कुछ पथराव उठाव कर दिए। हम लोग मौके पर पहुँच गए और उसको संभाल लिया गया। इधर से पुलिस मामला है, हम देखेंगे कि उसमें पुलिस का कितना दोष है, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। घायल में अभी उनको कोई गेट सूचना बता रहे थे, एसडीएम का कोई ड्राइवर है उसी को।